जो परमेश्वर के यहाँ, परमेश्वर के यहाँ की बात होती है, यानी स्वर्ग में जो है कि एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल जो है वो एक दिन के बराबर है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम दूसरे खंड में बात कर रहे हैं 7 कलीसियाओं के नाम पत्र, और हम बात कर रहे हैं 6ठी कलीसिया के विषय में। फिलदेल्फिया की कलीसिया का ये दूसरा भाग है। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 7 पद से लेकर 9 पद के विषय में सीखा था। आज हम उससे आगे सीखेंगे। यदि आप फिलदेल्फिया कलीसिया के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं बाइबल से, तो आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7 पद से लेकर 13 पद तक। आज हम 7वें पॉइंट के विषय में बात करेंगे, मसीह द्वारा दूत के काम की प्रशंसा करना। आइए इसके पद को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10वां पद है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबसे पहली बात क्या है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है। धीरज का वचन क्या है? क्या है ये धीरज का वचन? अब यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि धीरज का वचन जो है वो है क्या, जब हम गलतियों 5 अध्याय उसका 22 पद पढ़ेंगे तो वहां पर पवित्र आत्मा के 9 फलों के विषय में लिखा हुआ है, और पवित्र आत्मा के 9 फलों में धीरज जो है वो एक फल है। देखिए, धीरज इंसान के जीवन में हर चीज के लिए होना चाहिए। अगर आप धीरज धरे हुए परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं प्रभु आ नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, 2000 साल हो गए, उसके आने का वायदा कहां रहा? आप धीरज धरे, ये परमेश्वर का वायदा है, जो वायदा है वो पूरा होता है। आपके जीवन में कोई भी घटनाएं हैं, किसी भी बात की, आपके न्याय की बात हो, आपको कुछ देने की बात हो, आपके संग चलने की बात हो, परमेश्वर की कोई भी बात है, धीरज से उन वायदों को का इंतजार कीजिए और अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखिए। क्योंकि एक चीज लिखा ना, याकूब की पत्री जब 1 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है वहां पर, मैं बताना चाहता हूं, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम सिद्ध होते जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अब यहां देखिए याकूब क्या कहता है कि धीरज को अपना काम करने दो। जैसा मैंने अभी बताया गलतियों 5 अध्याय उसके 22 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर धीरज क्या है? पवित्र आत्मा का फल है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन यहां पर याकूब ये कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि धीरज को अर्थात पवित्र आत्मा को अपना काम करने दो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का फल है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो उस हमारे जीवन में फिर आनंद ही आनंद आता है। ठीक है, बहुत सी बातों की हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, बहुत से निवेदन है जो नहीं सुने जा रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया, आप धीरज बना के रखें, पवित्र आत्मा आपकी उन प्रार्थनाओं का उत्तर अब देने जा रहा है, और बहुत जल्दी आपको जो है आपकी प्रार्थनाओं का, आपके निवेदन का, जो कुछ भी आपने अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम, अपने निवेदन, प्रार्थनाएं जो भी परमेश्वर के आगे रखी हैं, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने काफी धीरज रख लिया है। और ये फिलदेल्फिया की कलीसिया के लोगों के लिए भी था, और फिलदेल्फिया की कलीसिया के लोगों ने क्या करा? धीरज रखा, और उस धीरज का परिणाम हम लास्ट में देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या दिया है। 8वां पॉइंट है इसका, मसीह द्वारा दूत के काम की निंदा करना। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह द्वारा दूत के काम की निंदा करना। जब आप 7 कलीसियाओं को पढ़ेंगे तो किसी किसी कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने उनके काम की निंदा करी है, परंतु कुछ ऐसी कलीसिया में जिनके काम की निंदा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं की है, और फिलदेल्फिया जो है उसमें से एक कलीसिया है जिसके काम की निंदा, उसके दूत के काम की निंदा जो है प्रभु यीशु मसीह ने नहीं करी, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं पाई गई। क्यों नहीं पाई गई? क्योंकि वो धीरज से अपना काम करते रहे और धीरज को थामे रहे, यानी पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य कर रहा था उस धीरज के काम को लेकर, इसलिए उनके अंदर कोई भी निंदा वाली बात प्रभु यीशु मसीह को दिखाई नहीं दी। यहां पर है 9वां पॉइंट है, मसीह द्वारा फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को सहमति देना,
यानी काउंसलिंग करना या कोई राय देना, आप कुछ भी समझ सकते हैं। या प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 11वें पद में लिखा हुआ है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। अब यहां बड़े समझने की बात है, यीशु मसीह कहता है शीघ्र आने वाला हूं। शीघ्र आने का मतलब क्या है? बहुत जल्दी, यानी अब उसके आने का समय जो है बहुत ही निकट है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यानी बाइबल के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो सब जो है स्टेप टू स्टेप पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो कुछ भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह का आना जो है बहुत नजदीक है और बहुत जल्दी जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो आने वाला है। मगर उसने एक चीज कही है कि सबसे पहली बात उसने क्या कहा है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। अब जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, अब आप कहोगे इतना समय हो गया, 2000 साल हो गए हैं और प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। देखिए, काउंटिंग जो है, समय की जो काउंटिंग है वो इस पृथ्वी की काउंटिंग के अनुसार नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर के यहां लिखा है स्वर्ग के अंदर जो काउंटिंग है प्रभु यीशु मसीह जो है उस काउंटिंग के अनुसार जो है वो आपसे वायदा करता है। क्या है? आप 2 पतरस 3 अध्याय उसका 8वां पद और भजन संहिता 90 और उसका 4 पद जब आप पढ़ेंगे, ये दोनों पद आप पढ़िएगा, वहां पर एक बात लिखी हुई है कि प्रभु के यहां यानी जो परमेश्वर के यहां की बात होती है यानी स्वर्ग में जो है कि एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल जो है वो एक दिन के बराबर है। अब अगर हम इससे जो स्वर्गीय काउंटिंग है उसके अनुसार देखें कि प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल हो गए तो स्वर्गीय काउंटिंग के अनुसार जो है 2 ही दिन हुए हैं, इस पृथ्वी पर 2000 वर्ष हो गए हैं। तो वो प्रभु का कहना कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, ये कोई जो है झूठी बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि 2 दिन के बाद आ रहा है वो, 2 दिन के बाद किसी भी समय आ सकता है वो। यह कहने का मतलब है अगर हम पृथ्वी पर है तो हम ये कहते हैं कि 2000 साल पूरे हो गए हैं, तो हमें काउंटिंग करनी है प्रभु के यहाँ के यानी स्वर्ग के हिसाब किताब से जो परमेश्वर का वचन कहता है। और सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसको थामे रहें। क्या चीज थामे रहें? जब आप मत्ती 24 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे, देखिए उसके आने की बहुत सी चीजें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने व्याख्या दी है। क्या दी है? जब तक राज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा। जैसे लोगों का मानना है कि आज राज का जो सुसमाचार है वो सारी जातियों में प्रचार हो रहा है और हो चुका है लगभग जो है टीवी के द्वारा, मीडिया के द्वारा और बहुत सी चीजों के द्वारा जो है वो राज का जो सुसमाचार है वो सुनाया जा चुका है। परंतु यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। चलिए हम मान लेते हैं कि उसके राज का सुसमाचार सारे जगत में सुनाया जा चुका है, परंतु मत्ती 24 और 14 का ये एक भाग पूरा हुआ है, दूसरा भाग जो है इस सुसमाचार की गवाही जो है, देखिए यहां पर देखिए 2 चीजें हैं, एक तो राज का सुसमाचार जो है वो सारी जातियों में प्रचार होना और दूसरी चीज उस राज के सुसमाचार का जो गवाही है वो सारी जातियों में होना। चलिए सुसमाचार तो प्रचार हो गया, दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है, मगर प्रभु यीशु मसीह के वचन की गवाही क्या है? आज हमारे मसीहों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं दिखाई देती है तो अन्य जातियों में क्या है? तो देरी कहां से हो रही है? देरी ये हो रही है जो इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं उनके जीवन में परमेश्वर के जो वचन की गवाही है वो नहीं हो रही। अब गवाही कैसा होना चाहिए? कि जो कुछ भी कहा है वो हमारे जीवन से भी तो दिखाई देना चाहिए। दुनिया में जो कुछ है वो दिखाई दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसा होगा, महंगाई होगी, ये होगा, अंत के समय में बहुत सी परेशानियां, बहुत सी विपत्तियां आएंगी, बहुत सी बीमारियां आएंगी, वो सारी चीजें दिखाई दे रही। परंतु हमारे जीवन के लिए भी तो कहा है, आपके जीवन के लिए भी तो कहा है, हमारे और आपके जीवन में प्रभु के वचन की गवाही क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ये बड़ा अहम बात है। फिर है, मैं दूसरा पॉइंट यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा जब तक ये सारी चीजें पूरी नहीं हो जाएंगी। मत्ती 5:18 है, आकाश और पृथ्वी तब तक टल नहीं सकता जब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा नहीं हो जाता। अब यीशु मसीह का ये कथन है, अब देखिए एक मात्रा भी, ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था का मतलब ये नहीं है जो मूसा को दी गई, व्यवस्था का मतलब है, होता है जो भी कानून, जो भी नियम, जो भी लॉ परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए बनाए हैं, इस संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए बनाए हैं,
उसकी एक एक मात्रा एक एक बिंदु का पूरा होना जरूरी है। अब वर्ष की तो बात बहुत दूर हो गई, जब तक ये पूरा नहीं हो, क्या ये हो चुका? आप खुद इस बात को देख सकते हैं कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 7वां पद है, ध्यान दीजिएगा, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है, मैं किसी भी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, किसी भी पापी की मृत्यु से। अब सवाल ये होता है, क्या उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है? हमारी तैयारी हो चुकी है? बहुत से लोग कहते हैं, हाँ साहब हमारी तो तैयारी हो चुकी है, हम तो तैयार हो चुके हैं, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का इंतजार देख रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मत्ती 25 अध्याय 1 से 11 पद तक बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। मैं कई बार इसका उदाहरण दे चुका हूं, और जब भी ये बात आती है तो तैयारी की बात आती है, इंतजार की बात आती है, यीशु मसीह के साथ जाने की बात आती है, तो ये मत्ती 25 का जो है, मत्ती 25 अध्याय उसका 1 से 11 पद का उदाहरण मैं जरूर देता हूं। वहां पर 10 कुआरियां हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा इस बात को, 10 कुआरियां हैं। अब 10 कुआरियों का एम क्या था? एक ही लक्ष्य था, एक ही एम था, क्या था? यीशु मसीह का इंतजार, आने का इंतजार, यीशु मसीह आने वाला है, और अपने आप को उन्होंने तैयार कर रखा था। अब 10ों ने अपने आप को तैयार कर रखा था, वहां पर लिखा कि 10 कुआरियां थी, कुआरी का मतलब होता पवित्र, यानी 10ों पवित्र थी, 10ों ने अपने आप को तैयार कर रखा था, 10ों के पास लालटेन थी और वो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रही थी, और लिखा हुआ है कि 10ों जो थी वो ऊंघने लगी, 10ों ऊंघने लगी, 10ों की एक्टिविटीज बता रहा हूं सेम है, 10ों ऊंघने लगी, और आधी रात को धूम मची कि दुल्हा आ गया, तो 10ों जाग गई और 10ों क्या करने लगी, अपनी अपनी लालटेनें ठीक करने लगी। अब जब अपनी अपनी लालटेनें ठीक करने लगी, जब उन्होंने लालटेन को जलाया, तो जिनकी लालटेन में या जिनकी कुपियों में तेल था वो तो जल गई, परंतु जिनकी कुपियों में तेल नहीं था उनकी लालटेन नहीं जली। फर्क देखिए क्या है, हम कहते हैं कि हमने तैयारी कर ली है, तेल किस चीज को दर्शाता है? तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। क्या पवित्र आत्मा रूपी तेल जो है वो हमारे अंदर है या नहीं है? क्या हम उस आत्मा से प्रज्वलित हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या हुआ? आप सब लोग जानते हैं कि 5 चली गई और 5 रह गई, 5ों सेम पोजिशन में है, मगर एंड में क्या हुआ? सिर्फ 5 गई। आज हमारी भी स्थिति यही है कि मुझे लगता है कि उनमें से 5 तो चली गई, आज मुश्किल लग रहा है कि 5 भी जा पाए। यहां क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है 5 का मतलब 10 का मतलब आधा, आधी गई आधी नहीं गई। मत्ती 25 के 10 पद में क्या लिखा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। जो तैयार थी वो उसके साथ चली गई। ये ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का वचन जो है वो मुझसे और आपसे बात क्या कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह का आना जो है वो इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी गवाही के ऊपर कि आपके प्रभु यीशु मसीह की गवाही आपके वचन से दिखाई देनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की एक एक मात्रा एक एक बिंदु को पूरा होते हुए देखिए, सिर्फ ये नहीं कि अरे ये कहा देखो ये पूरा हो रहा है देखो ये कहा, एक एक बिंदु एक एक मात्रा पर आपका ध्यान होना चाहिए कि वो पूरा हो रहा नहीं हो रहा। और फिर दूसरी चीज यहां पर लिखा हुआ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। अब आपके पास है क्या? देखिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको कुछ पूरे रेफरेंस नहीं पढ़ूंगा, मगर आपको सिर्फ ऐसे ही बताऊंगा विथ रेफरेंस के साथ, कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। अब देखिए यहां पर मुकुट तो कई प्रकार के हैं, मगर मैं मेन मुकुट की बात करूंगा। यहां आप याकूब 1:12 प्रकाशित वाक्य 2:10 जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है जीवन का मुकुट दूंगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन का मुकुट जो है, सबसे बहुत से मुकुट है मगर मैं जीवन के मुकुट की, देखिए आपको बाकी जो मुकुट हैं वो तब मिलेंगे जब आपके पास जीवन होगा। जब आपके पास जीवन ही नहीं होगा तो बाकी के मुकुट की बात ही क्या होगी, आनंद का मुकुट और गीत का मुकुट और इसका मुकुट और उसका मुकुट, ये तो बात की बात है। पहले तो आपके पास जीवन का मुकुट होना चाहिए, और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो कहता मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। जीवन आपके पास है नहीं, जीवन हमारे पास है नहीं, तो हमें फिर बाकी मुकुट कहां से मिलेंगे? तो जीवन का मुकुट जो है वह हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। 10वां इसका जो पॉइंट है, मसीह द्वारा दूत को चेतावनी देना, यानी वार्निंग वार्निंग जो है वो देना है। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने फिलदेल्फिया के जो कलीसिया का दूत है उसको किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं दी है, वार्निंग नहीं दी है,
क्यों नहीं दी? क्योंकि वो हर काम में जो है जैसा यीशु मसीह चाहता था वो वैसे ही उसने अपने आप को और उस समय के लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी थी। कोई गलती नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें उसे वो वार्निंग देता या चेतावनी देता, तो यीशु मसीह ने उसे किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा 11वां पॉइंट जो है और प्रकाशित वाक्य 3:12-13 मैं पढ़ना चाहूंगा, एक बार आप ध्यान दीजिएगा। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है जो जय पाए का मतलब यानी समस्त कलेशों और बुराई और हर एक पाप के ऊपर जो जय प्राप्त करता है, परमेश्वर कह रहा है उसे क्या मिलेगा, उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा। खंभा बनाने का मतलब क्या है कि जिस पर उसके विश्वासी टिके हुए हैं वो उनको कोई हिला नहीं सकता, परमेश्वर की उपस्थिति से उन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटे रहेंगे। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 3rd पॉइंट है यहां पर, और वे कभी बाहर ना निकलेगा, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। चौथा है, परमेश्वर और नए यरूशलेम का नाम और प्रभु यीशु मसीह का नया नाम उस पर जो है लिखा रहेगा, जो प्रभु यीशु मसीह का जो नया नाम है। देखिए आपको क्या मिलेगा, परमेश्वर का नया नाम। देखिए नाम क्या है, परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर का नाम जो है यीशु मसीह क्या कहता है, जब आप यूहन्ना 17 अध्याय पढ़ेंगे वो कहता है पिता जो नाम तेरा था तूने मुझे दिया था वो मैंने तेरा नाम लोगों पे प्रकट कर दिया। अब ये परमेश्वर का नाम क्या प्रकट हुआ, परमेश्वर का नाम जो है मसीही प्रकट हुआ, यानी यीशु मसीह नासरी जो है वो परमेश्वर का नाम है वो प्रकट हुआ। ये नाम तो हमें पृथ्वी पर मिला और इस नाम में बड़ी सामर्थ है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़ी सामर्थ है। मैं इसलिए एक उदाहरण भी देता हूं, प्रेरितों के काम 3:1-6 तक पढ़ेंगे तो उसके अंदर काफी है, मगर उसको पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें उसके अंदर समझ में आएंगी। पतरस और यूहन्ना जो है वो जब एक मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर के बाहर जो है जन्म का लंगड़ा जो है वो बैठा हुआ है, वो उनसे भीख मांगने लगा, तो उन्होंने क्या करा, पतरस और यूहन्ना उसकी तरफ टकटकी बांधकर देखने लगे और उन्होंने क्या कहा, देखिए पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं, हमारे पास ना चांदी है और ना सोना है, परंतु जो हमारे पास है वह हम तुझे देते हैं, अर्थात यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। फिर अब वो तुरंत तो यीशु मसीह नासरी के, बस इतने ही कहा उन्होंने, जैसे आज बहुत होती है हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड, आधे घंटे तक रोते हैं, आधे घंटे तक प्रार्थना करते हैं। अरे भाई यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य इतनी है बस उसका नाम ले देने से, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। फिर जो चेले थे, जो पौलुस था, वो सिर्फ इसी तरीके से काम करते थे, दुष्ट आत्माओं को भी निकालते थे, तुझे आज्ञा देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जा, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सामर्थी। वो एक और सामर्थी नाम हमें और आपको मिलने जा रहा है, मगर इस पृथ्वी पर जब यीशु मसीह नासरी के नाम की सामर्थ को ही नहीं समझ पाए तो उस नाम की सामर्थ को क्या समझेंगे, जो नया नाम परमेश्वर का, जो नया नाम यरूशलेम का, जो नया नाम यीशु मसीह का मुझे और आपको मिलने जा रहा है। और ये बात जो है यहां पर हर कलीसिया के अंत में एक बात लिखी होती है, क्या लिखी होती है हर कली, मैं उसको रिपीट कर देता हूं, 13वां पद है, जिसके कानों वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब यानी कलीसियाओं से, जितनी भी कलीसियाएं हैं, सबसे कौन बात कर रहा है, पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, सुन ले पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। हर एक कलीसिया का जो रिवार्ड है वो हर एक कलीसिया को, जितने भी कलीसिया के लोग हैं वो इस बात को सुन ले कि आपको नया नाम मिलने जा रहा है, आपको परमेश्वर का नया नाम मिलने जा रहा है, आपको यरूशलेम का नया नाम मिलने जा रहा है, आपको प्रभु यीशु मसीह का नया नाम मिलने जा रहा है। मगर सबसे पहले जो नाम मिला है उसकी वैल्यू को तो समझें, अर्थात यीशु मसीह नासरी के नाम की वैल्यू को समझें, यीशु मसीह नासरी के नाम की सामर्थ को अपने जीवन में देखें, अपने परिवार में देखें, अपने समाज में देखें, उसको यूज करें। क्या आपके पास नहीं है, क्या सिर्फ पादरियों के पास है, क्या सिर्फ इंटरनेशनल पादरियों के पास है, क्या सिर्फ बिशप के पास है, क्या सिर्फ आपके कलीसिया के पादरी और बिशप और पोप के पास है? नहीं, सबके पास है, आपके पास भी है, आप क्यों नहीं यूज करते हो? या आप कह दो कि हमारे पास नहीं है,
जब आपको उस नाम को यूज करना नहीं आ रहा है तो फिर क्या, यूज कैसे किया जाता है? पहले अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, उसके अधीन सौंपें, सारी बुराइयों से दूर रहें। जब आप सारी बुराइयों से दूर रहेंगे, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे, फिर आप देखिए यीशु मसीह नासरी का नाम, जब आप इस यीशु मसीह नासरी का नाम इस पृथ्वी पर आपको यूज करना आ जाएगा, तो वो नया नाम जो परमेश्वर का होगा, नए यरूशलेम का होगा, यीशु मसीह का होगा, वह आपको मिलेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।